मोदी को मिला एक और योगी। उत्तराखंड सरकार का भौकाली फैसला, दंगाइयों का होगा सॉलिड इलाज। धामी भी ले आए वसूली वाला कानून। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश में दंगा फसाद होना आम बात है क्योंकि कानून सख्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरीके से दंगे हुआ करते थे, बंगाल में तो आज भी निर्मम तरीके से दंगे किए जाते हैं, और उत्तराखंड जो अक्सर विवादों में रहता है कट्टरपंथियों को लेकर, वनभूलपुरा में पिछले साल जिस तरीके से दंगाइयों ने आतंक मचाया था उसी को देखते हुए अब उत्तराखंड की धामी सरकार योगी आदित्यनाथ के जैसा ही एक कानून लेकर आई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक कानून लेकर आई थी कि अगर कोई भी दंगाई हो वो सरकारी या फिर निजी संपत्ति पर अगर हमला करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी पहचान की जाएगी और पहचान के बाद वसूली भी की जाएगी। उसी तरीके से अब उत्तराखंड की धामी सरकार भी वसूली वाला कानून लेकर आई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी दंगाई अगर निजी संपत्ति या फिर सरकारी संपत्ति पर आक्रमण करता है, हमला करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी वसूली उसी से की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद उत्तराखंड सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिखा गया, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को राज्यपाल महोदय द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी, साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले एवं अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। जो कानून अब उत्तराखंड की धामी सरकार लेकर आई है उसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है, साथ ही दंगा नियंत्रण पर सरकारी खर्च जो होगा उसकी भरपाई करने की बात भी कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी दंगे की जिम्मेदारी नेताओं की होनी चाहिए, उनसे नुकसान की भरपाई करवाने के लिए। किसी भी आंदोलन के लिए आयोजक या फिर आंदोलन के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनसे न केवल नुकसान की भरपाई होगी बल्कि अतिरिक्त जुर्माना भी उन पर लगाया जाएगा। आपको याद होगा किस तरीके से पिछले साल वनभूलपुरा में जो घटना हुई थी उसमें भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगानी पड़ी थी। स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया जिसमें अब एक रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ये ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट के समान शक्तियों के साथ ही कार्य करेगा और संपत्ति क्षति के मामलों की सुनवाई करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धामी सरकार अब दंगों पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून लेकर आए। किसी भी प्रदेश की या किसी भी देश की अगर कानून व्यवस्था आपको सुचारू रूप से चलानी है तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कानून। कानून अगर आपके बेहतर हैं तब कानून का डर होना जरूरी है, सजा का डर होना जरूरी है, तभी कोई भी कट्टरपंथी हो, कोई भी जिहादी हो, कोई भी दंगाई हो, तब तक उसके भीतर सजा का डर नहीं होगा, तब तक किसी भी जगह पर किसी भी देश किसी प्रदेश में अपराध नहीं रुकेगा। लेकिन जिस तरीके से धामी सरकार अब उत्तराखंड में अमन और शांति अमन चैन चाहती है और उसी लिहाज से ये कानून जो लाया गया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।